एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है समथिंग न्यू। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन सा रेसिपी लेके आई हूँ जो सबका फेवरेट है, सबका बच्चे से लेके बूढ़ों तक का फेवरेट से फेवरेट है। वो आज मैं बना के दिखा रही हूँ। आज मैं आपको इंस्टेंट क्विक मैगी बना के दिखाऊंगी। हाँ जी हाँ, आपने तो मैगी बहुत बार खाया होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन मेरे स्टाइल से बना के एक बार आप खा के देखेंगे। मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आज मैं मैगी मसाला बना के दिखाऊंगी, इतना टेस्टी और स्वादिष्ट कि आप जब भी बनाओगे मैगी तो इसी तरीके से बनाओगे। तो सबसे पहले एक प्याज को ले लेंगे और इसको छील लेंगे। देखिए, मैं दो मैगी बना रही हूँ, दो मैगी का टुकड़ा, तो इस हिसाब से मैं सब सामान ले ली हूँ। आप हिसाब से अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इसको काट लेंगे। आप चाहो तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो घर में जो भी अवेलेबल था मैं उसी से बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मैगी बहुत बार खाया होगा और बनाया भी होगा, एक बार मेरे स्टाइल से बना के भी देखें। इंस्टेंट मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस कि आप बिल्कुल खाओगे तो याद रखोगे और बार बार इसी तरीके से बनाओगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं मिर्ची को भी इस तरीके से चीरा लगा लेती हूँ। आपको जितना मिर्ची डालना है, जितना तीखा बनाना है, उस हिसाब से आप ज़रूर डालें इसमें। थोड़ा सा जो चटपटा बनता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। दोस्तों, लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ ले लिया है मैंने एक टमाटर, और टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ लहसुन को भी मैंने छील के और कट कर लिया है। लहसुन भी डालें दोस्तों, जिससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, सारा कट गया। अब हम लोग चलिए दिखाते हैं कि कैसे करना है। यहाँ सॉस पैन ले लिया, सॉस पैन में डाल दिया एक कप पानी, एक कप कॉफ़ी मग जो होता है उसी से मैंने पानी डाला। और यहाँ डाल दूँगी मैं दो टुकड़े मैगी के। ये देखिए, यहाँ मैं आटा नूडल्स यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, आटा नूडल्स है ये। आप लोग भी अगर आटा नूडल्स बना रही हैं तो ऐसे बना सकते हैं। बहुत लोगों को आटा नूडल्स पसंद नहीं आता है, लेकिन आप इस तरीके से बना के तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए, डेढ़ ग्लास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, डेढ़ कॉफ़ी मग पानी डाल दिया है मैंने। इसको इस तरीके से अब चला के थोड़ा सा छोड़ देंगे उबाल आने तक। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें। अगली बार जब भी आप मैगी बना रही हैं तो आप लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। देखिए कितना अच्छा से उबाल आ गया है मैगी में। और यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा धनिया का पत्ती भी, धो के और फ्रेश काट के ले लिया है। ये देखिए, उबलने के बाद हमारा मैगी, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर खाइएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक दे के जाइएगा दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है। वीडियो को प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा दोस्तों। मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो देखिए, वहाँ पर मैंने उबाल लिया है अच्छे से नूडल्स को। अब मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ और कढ़ाई को गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे, अच्छे हीट पे बनाएंगे मैगी को। जब भी कोई भी चाइनीज़ फूड बनाते हैं, मैगी नूडल्स को भी, तो उसको हीट, अच्छे हीट की ज़रूरत होती है। तो अच्छे हीट पे कढ़ाई को सबसे पहले गर्म कर लेंगे। अब डाल देंगे सरसों का तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी यही तेल यूज़ करिएगा, अगर नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, आप इसमें डाल दूँगी मैं जीरा, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें जीरा। बिल्कुल देसी स्टाइल हो गया और टेस्ट का टेस्ट हो गया, गजब का टेस्ट आता है दोस्तों। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग के पास बटर है तो थोड़ा सा आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसी टाइम में। देखिए, डाल देंगे हम लोग प्याज इसमें, सारा प्याज, हरी मिर्च, और अच्छे से इसको भूनना है। ये देखिए, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन जो हम लोगों ने काटा है उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। खूब अच्छे से भूनना है दोस्तों, हल्का सा जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज, तब इसमें डालेंगे हम लोग और भी सामान। देखिए, इसी तरीके से प्याज को पकने देंगे। यहाँ देखिए, ले लिया है मैंने मैगी का मसाला। यहाँ ले लिया है मैंने दो मैगी का मसाला, क्योंकि दो टुकड़ा नूडल्स का है, इसी हिसाब से मैंने लिया है। और यहाँ डाल देंगे सारे कटोरी में इस तरीके से। ये देखिए,
जब भी बनाती हूँ मैं घर पे तो इसी तरीके से बनाती हूँ, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। शाम के टाइम में अक्सर हमारे यहाँ ये बनता है। देखिए ये हो गया है, इसमें पानी डाल के इसको घोल बना लेंगे। डायरेक्ट मत डालिएगा फ्रेंड, डायरेक्ट डालने से मसाला जल जाएगा, तो इस वजह से इसको इसी तरीके से हम लोग जो है पहले घोल लेंगे। घोलने के बाद ही इसको हम लोग इसमें डालेंगे। डाल दिया है मैंने टमाटर भी, देखिए कितने अच्छे से तरीके से, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों खाने में ये, तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा दोस्तों। टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि सब्जी जो हम लोग डाला है टमाटर प्याज उस हिसाब से थोड़ा सा नमक बस डाला है हम लोगों ने, हल्का सा ही डाले क्योंकि मसाले में नमक ऑलरेडी रहता है, इस वजह से थोड़ा सा ही मैंने इसमें नमक डाला है। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी यूज़ कर लेते हैं, हल्का सा पानी इसलिए डाला है मैंने ताकि जो है टमाटर जल्दी जल्दी गल जाए। ये देखिए क्योंकि मैगी है तो मैगी हमेशा इंस्टेंट बनता है, जल्दी जल्दी बनता है, इस हिसाब से ये देखिए मैंने मसाला जो घोल के रखा था दोस्तों, अब इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, अब इसको चलाएंगे ताकि हमारा मैगी जो है सॉरी मसाला जो है थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए और टमाटर जो है वो गल जाए थोड़ा सा, बहुत ही थिकनेस टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में इस तरीके से मैगी अगर बनाओगे तो। देखिए मसाला भुन गया, पानी भी जो सूख गया, एक्स्ट्रा पानी जो दिया था हम लोगों ने वो हमारा पानी बिल्कुल सूख गया है दोस्तों। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों घर पे अपने, एक बार ट्राई करेंगे तो भूलेंगे नहीं इस मैगी के टेस्ट को, इतना अच्छा लगता है। अब डाल देंगे सारा का सारा जो नूडल्स हम लोगों ने उबाला था इस तरीके से ही इसको डाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को दोस्तों, बच्चे फैन हो जाएंगे इस मैगी नूडल्स के, उनको इतना ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए कितना अच्छा है, वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद आता है मैगी, बच्चों को इवन बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसको आप खूब अच्छे से चला देंगे, धीमे धीमे हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे दोस्तों, नूडल्स हमारा टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। देखिए इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे हल्का हल्का। अब जो है हम लोग हीट को थोड़ा सा कम कर दिए हैं ताकि हमारा चिपके नहीं और अच्छे से ये बन जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर पूरे किचन में फैल गया है दोस्तों। अब हम लोग डाल देंगे इसमें कटा हुआ धनिया जो हम लोगों ने काट के रखा था, और इसको हल्का सा चलाएंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल गैस को ऑफ़ कर देना है और धनिया पत्ती को मिला देना है इस तरीके से और इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए रेडी हो गया हमारा बिल्कुल टेस्टी टेस्टी डिलीशियस मैगी, अब इसको मैं सर्व कर देती हूँ एक अच्छे से प्लेट में और आपको दिखाती हूँ। देखिए बन गया कितना गर्मा गर्म मैगी, बहुत ही टेस्टी पहाड़ों वाली मैगी। आप लोगों ने अगर मैगी खाई है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार इस तरीके से मैगी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।